एक्सप्लोर करूँगा ये सब एरिया, किशनपुर वगैरह और दुधवा। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और साल के इस टाइम पे शुगर केन में बहुत टाइगर्स होते हैं, सो मैं गिरूँगा, मुझे चोट नहीं लगेगी, तुम गिरोगे मर जाओगे। एक बार लेपर्ड यहीं आया था ना निखिल? हाँ जी, एकदम से लेपर्ड वहाँ उस वाले जो लॉन में छुपा हुआ था, इतना बड़ा हो चुका था। हाँ, रात में नीलगाय घुसी। हाँ, पर इधर फेंस है ना ऑलरेडी, फेंस के ऊपर से आ जाती है। अच्छा, जब जय हो जी, जाने का टाइम, बाइक रेडी है और गुड आफ्टरनून फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल, ये बोलना तो मैं भूल ही गया। और इस सीरीज़ में अब तक आपने वीडियो देखे होंगे काफ़ी, बट आज से शुरू होता है एक्शन। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू दुधवा, इनफैक्ट मेलानी राइट नाउ टू मीट निखिल। इफ़ यू डोंट नो हिम, मेरे पुराने व्लॉग्स देखिए तराई के, सो यू विल नो हिम। सो आई एम स्टेइंग एट हिज प्लेस एंड देन एक्शन स्टार्ट। चलिए पहले राइड करें और थोड़ा सा डिस्टेंस खींचा जाए, बिकॉज अगेन आई एम लेट, फिर बात करते आगे। सो दुधवा 83, बट अभी तो दुधवा नहीं जाएंगे। आज शाम को सफारी करने का चांस था वैसे, बट बाइक में थोड़ा सा काम निकल आया, सो आई वॉज एट मैकेनिक, कल पीलीभीत जाते टाइम पे जो ब्रेक वाला ग्लिच हुआ था, तो मैंने सोचा आगे के लिए कुछ भी चांस नहीं लेना, आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई राइड इन बिटवीन। सो मैं गया और ब्रेक ऑयल वगैरह चेंज कराया और ब्रेक पैड्स वगैरह की सेटिंग अच्छे से की। सो नाउ आई एम ऑन माई वे। सो लेफ्ट में है दुधवा नेशनल पार्क एंड राइट साइड कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उन दोनों के आगे ही नेपाल है। सो गौरी फंटा के जो साइन बोर्ड्स आप देख रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम दुधवा साइड, और वी विल बी क्रॉसिंग इन टू नेपाल थ्रू यू नो कतरनिया घाट एंड बियॉन्ड, उस साइड से जाएंगे, बिकॉज द प्लेस दैट आई वॉन्ट टू कवर नाउ इन दिस राइड इज बर्दिया नेशनल पार्क, जो कतरनिया घाट का ही एक्सटेंशन है इन नेपाल। बाकी डिटेल्स ज़्यादा अभी नहीं दूंगा, ओनली एज वी प्रोसीड अहेड। आज का एजेंडा बस ये है कि बहुत टाइम बाद वापस जा रहा हूँ, सो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगा ये सब एरिया, किशनपुर वगैरह और दुधवा के आसपास, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे क्या मूवमेंट है आजकल वाइल्ड लाइफ की, और फिर निखिल के फार्म पे जाके सेटअप करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे। मुझे अपना डेटा वगैरह कॉपी करना है जो अभी तक यहाँ तक आया हूँ, सो फोटोग्राफ्स जो चंबल के और ब्लॉग्स के जो वीडियोस के कार्ड्स हैं वो सब मुझे हार्ड डिस्क में खाली करने हैं उसके लैपटॉप पे, बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग माय पर्सनल लैपटॉप। सो वो सब करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बिकॉज मेंटली मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यू नो प्रिपरेशन में, फिर वही बार बार गियर अप गियर डाउन और सामान बाइक पे लगाओ उतारो एंड ऑल दैट। पहले अपन फ्यूल अप करा लें, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, मतलब अगेन मैं सॉरी डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ, ये कुछ घिसे पिटे डायलॉग मैं बार बार बोलता रहूँगा, जैसे इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने आपको दिखाया था, बट यू नो आई कांट होल्ड ऑन माय एक्साइटमेंट, बिकॉज ये वो जगह है जहाँ मैं पूरा लॉकडाउन मैंने निकाला है और लगभग एक साल सवा साल मैं यहाँ रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लोर किए यहाँ के गाँव जंगल सब, और तभी मैंने सोचा था कि एक दिन ज़रूर अपनी बाइक से मैं यहाँ आऊँगा। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो आई वॉज यू नो जब मैं पुणे से बाइक अपनी नहीं ला पा रहा था एंड आई वॉज मिसिंग राइडिंग, सो एट दैट टाइम आई थॉट कि मैं यहाँ पे ही कोई बाइक खरीद लूँ,
बट समहाउ ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई थी बिकॉज आई हैव टू बाय अ राइडिंग गियर, हेलमेट एंड ऑल दैट सब। सो काफ़ी टाइम बिना बाइक के रहा हूँ मैं, और उस दिन सोचा था कि इन रोड्स पे, इन रास्तों पे, इन नेशनल पार्क्स में, इन जंगलों में अपनी बाइक मैं ज़रूर दौड़ाऊँगा, और वही मैं आज कर रहा हूँ। सो इट्स अ गुड फीलिंग, मज़ा आ रहा है। और ये खेत वगैरह देख के भी ना, इट्स अमेजिंग, मतलब आई हैव सम स्पेशल बॉन्ड विद दिस प्लेस नाउ। तो रोड काफ़ी अच्छा बना दिया ये, पहले बहुत अच्छा नहीं होता था और काफ़ी टाइम कंस्ट्रक्शन में भी रहा, बट टू लेन है बट बहुत अच्छा रोड है। यू कैन डू गुड स्पीड्स ऑन दिस रोड, बट आई विल रिकमेंड के बहुत ही ईजीली चलें इन रोड्स पे। ऑल दिस एरिया यू नो, यहाँ पे जो ड्राइविंग है बहुत ही रेकलेस है, स्पेशली बाय द टू व्हीलर्स, जो विलेजर्स वगैरह हैं, जो दे विल नेवर गिव अ सेकंड थॉट। जब वो रोड पे आते हैं मर्ज होते हैं और पीछे कभी नहीं देखते, कोई बच्चा आ सकता है, गाय भैंस जानवर। कल एक भाई साहब अपनी भैंस को लेके जा रहे थे विद दैट रस्सी, सो भैंस पार, भैया उधर बीच में रस्सी, सो मैंने उनको रुक के झाड़ा, बिकॉज किसी भी टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो सकता था, मतलब इट कुड बी फेटल। बस अब क्रेस्टेड सरपेंटिकल देखने लग जाएंगे, इस एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा है सरपेंटिकल्स। और ये देखिए पंजाब वाली फीलिंग, सरसों के खेत। बाय द वे दिस इज़ फॉरेस्ट लाइन, यहाँ पे पैचेस में है फॉरेस्ट एरियाज जो कि सीधा किशनपुर तक कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ लेफ्ट में हमें मैलानी जाना है, उसके बाद वो गोला एंड ऑल दैट, जिस रोड से मैं कल पीलीभीत गया था। तो मैलानी भी जब हम जाएंगे तो जंगल में से होके जाएंगे, वहाँ भी एक इस साल से एक टूरिज्म जोन बना दिया है, गेट बना दिया है दुधवा टाइगर रिजर्व का। अनदर शुगर मिल, ये वाली काफ़ी बड़ी है इस एरिया की। तो जैसा मैंने लखीमपुर पहुंचते टाइम वीडियो में बताया था कि दिस इज़ द प्रॉपर शुगर केन बेल्ट, और बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, और साल के इस टाइम पे शुगर केन में बहुत टाइगर्स होते हैं। सो जैसे महाराष्ट्र में लेपर्ड्स शुगर केन में आ जाते हैं ड्यूरिंग देयर यू नो, जब वो व्हेन दे आर नर्सिंग देयर यंग वंस, और जो भी सीज़न होता है शुगर केन का, तो यहाँ पे टाइगर्स आ जाते हैं। सो किशनपुर, पीलीभीत, दुधवा, पूरा ये सारे एरियाज में जितने भी शुगर केन के जो गन्ने के खेत हैं, दे आर इन्फेस्टेड विद टाइगर्स एक्चुअली। ये देखिए जेकॉल, ये देखिए गोल्डन जेकॉल, दो बार ये रोड क्रॉस करके गया। पहले रोड क्रॉस किया तो मुझे लगा मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, पर मुझे शॉट देने के लिए वापस आया। सो वाइल्ड लाइफ इस एरिया में भरी पड़ी है। इन वन ऑफ माय वीडियोस फ्रॉम लास्ट तराई सीरीज मैंने दिखाया था कि आई वॉज स्टेइंग एट निखिल्स होम, और वहाँ पर रात को हम लोग उसके फार्म्स पर घूम रहे थे विद द कैमरा एंड लाइट, गाय वगैरह जो नील गाय और गाय लोग को भगाने के लिए। सो उस टाइम पे हमने कितनी वाइल्ड लाइफ देखी थी रात को, शायद आज भी करेंगे वो सब ट्राई। एज़ यूजुअल फिर से कुछ कार्टून मिल गए, जो मेरा ये सब अपीयरेंस देख के यू नो उनको लगता है कि पता नहीं बस इसके साथ रेस करने लग जाओ। सो दो बाइक्स हैं, दे आर लाइक रुकते हैं मेरे पास, आते हैं, रेस करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे गधों को देख के मैं स्लो हो जाता हूँ बिकॉज अननेसेसरी, ये लोग तो रोड पे बाद में पाए जाते हैं साइड्स में गिरे हुए, कहीं किसी और को भी चोट लग सकती है। थोड़ी देर बाद जब ये रुकेंगे तो शेख चिल्ली बनेंगे अपने गांव में जाके, कहीं कि हमने वो बाइकर को हरा दिया एंड ऑल। Thank you.
रेस जीत गए। रेस जीतने का कब दूं, इनाम दूं? नहीं सर, इनाम नहीं चाहिए। अच्छा, वो सर लगा रहा था ना। अच्छा, मैं गिरूंगा, मुझे चोट नहीं लगेगी। तुम गिरोगे, मर जाओगे। नहीं, तुम जैसों को छोड़ के मैं रेस छोड़ देता हूँ। चलो भगाओ, भगा भगाओ। तो ऐसे गधों को थोड़ा सा पंप दे के आप छोड़ दो। खैर एनीवे, एनफ ऑफ दिस टाइम पास। लेट्स गेट बैक इन द जोन एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दुधवा एंड अराउंड। वैसे आई एम श्योर ये वीडियोस देखने के बाद आपका मन ज़रूर करेगा कि आप दुधवा आएँ और एंजॉय करें इस जगह को। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, दीज आर इंडियाज मोस्ट ब्यूटिफुल जंगल्स मैन। जंगल तो खैर अभी तक मैंने आपको दिखाए भी नहीं, होपफुली कल से दिखाऊंगा। अभी तक तो बस राइड 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 वही चल रहा था। और वंस वी गेट इनटू नेपाल तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो वी हैव रीच्ड भीरा टाउन, टाउन कहें विलेज कहें, मोर देन अ विलेज एंड लेस देन अ टाउन एक्चुअली। यहाँ पे एक फ्रेंड से मिलना है एंड देन आई विल टेक लेफ्ट टू मिलानी। दुधवा है राइट और भीरा वही जगह है जहाँ पे किशनपुर है। अगर मैं स्ट्रेट चला जाऊँगा तो मैं किशनपुर चला जाऊँगा कुछ 3-4 किलोमीटर आगे। लेट्स कॉल हिम अप। सो दुधवा यहाँ से है 27 और स्ट्रेट यहाँ से या आगे से आप चले जाएंगे तो इट्स किशनपुर। ये हमारे दोनों साइड पे ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स हैं। एक वीडियो यहाँ का भी आया था, यहाँ भी टाइगर देखा था किसी ने घूमता हुआ। What is this fire? I think forest fire है, फॉरेस्ट वाले थे। सो दिस इज कंट्रोल्ड फायर। नमस्कार सर, आप लोग तो डिपार्टमेंट से होंगे। यहाँ पे जो मेलानी बफर भी बनाया ना नया, उसका गेट कहाँ पे है? हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है जी। ये है एक नहर और ये वहीं से आती है, पीली बीच से जहाँ कल गए थे। और ये पुल वगैरह, यू नो, रेल ब्रिजेस या रेलवे लाइंस या फिर ये रोड ब्रिजेस बहुत बहुत पुराने हैं यहाँ पे और सब ब्रिटिशर्स के टाइम के बनाए हुए। सो काफ़ी कुछ है यहाँ पे पुराना। आपको हवेलियाँ काफ़ी दिखेंगी पुरानी। दुधवा टाइगर रिजर्व में आपके पधारने का धन्यवाद। सो पुराने यू नो स्ट्रक्चर्स, हवेलियाँ, काफ़ी काफ़ी कुछ है यहाँ पे हिस्ट्री। मेलानी 2 किलोमीटर। ये है मेलानी रेलवे क्रॉसिंग और हम आ गए ऑलमोस्ट सिटी में ना। और यहीं से बन रही है जो बड़ी रेल लाइन है फ्रॉम दिल्ली टिल मेलानी। अगर वो हो जाता है तो दुधवा में टूरिज्म के लिए और आसानी हो जाएगी, बिकॉज राइट नाउ जो इसका सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है इसकी लोकेशन, बिकॉज बिल्कुल ही साइड में है। सो यहाँ कोई आता नहीं ज़्यादा। खैर उसकी वजह से इसका चार्म भी अलग ही है। तो ये आ गया जी हमारे निखिल जी का फार्म, फार्म हाउस, हाउस सब कुछ।
ये आ गए निखिल बाबू जी। हाँ जी दुधवा नरेश, क्या हाल है? Alright, so reached our destination, which is Nikhil's farm stay, और चाय नाश्ता पानी आराम थोड़ा बहुत हो गया और अभी निखिल हमें ले जा रहे हैं अपना फार्म दिखाने। हाँ जी निखिल, हाय हाय हाय, क्या कर रहे हो? बी इनफॉर्मल, वैसे भी इस चैनल पे नए नहीं हो तुम। सो कहाँ है स्टे? कहाँ है स्टे? हमारा उधर है। ओके तो रूम रेडी हो रहे हैं। हाँ 5 मिनट का समय लगेगा, तब तक मैं आपको बर्ड हाइट दिखा के आता हूँ। चलो मतलब जस्ट एज माय व्लॉग्स आर यू नो अनस्क्रिप्टेड, हम लोग जो जो है अट्रैक्शंस, मतलब तुम वो बताओ कि जो तुम्हारे लोग आते हैं इधर, जो तुम सफारी वगैरह कराते हो सब कुछ, क्या है टोटल यहाँ पे? अगर कोई आता है तो क्यों आए, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़। बाय द वे ये टैंक गेस्ट लोग के लिए है कि नहीं? गेस्ट लोग हमारे यहाँ गेस्ट नहीं आते, फैमिली मेंबर्स ही बन जाते हैं। ओके सो इसमें हम भी खूब नहाए, वो दुधवा के लास्ट वीडियो वाले में भी आपने देखा होगा, मैं उसमें टैंक में नहा के और ये वाला जो ट्री है इसके आम गिन रहा था, उस टाइम तो नहीं खा पाए अभी। बाकी यहाँ पे आसपास भी बहुत वाइल्ड लाइफ है और रात को हम लोग निकलेंगे फिर से, फ़िलहाल चेंज करेंगे, राइडिंग गियर में ही हूँ अभी मैं। सो थोड़ा रिलैक्स होके रात को फिर से निकलेंगे आसपास लोकल वाइल्ड लाइफ देखने और वीडियो वगैरह बनाएंगे कुछ। चलिए थोड़ा आगे घूम के आते हैं बिकॉज सूरज ऑलमोस्ट यू नो ढलने वाला है। सो टू मेक गुड यूज़ ऑफ लाइट हम लोग ज़रा पहले हाइट वगैरह देख के आते हैं और थोड़ा फार्म्स वगैरह चक्कर मार के आते हैं। रूम्स भी यही हैं और सिटआउट भी यही हैं जहाँ हमने बैठना भी है। सो ये मैं आपको बाद में आके दिखाता हूँ, पहले हम लोग होके आते हैं फार्म और बाकी जगह। एक बार लेपर्ड यहीं आया था ना निखिल? हाँ जी। इधर से भागा था ना? सो इनका वो सीसीटीवी कैमरा है, उन्होंने कैच किया था डॉग्स वो बार्किंग, सो एकदम लेपर्ड इधर से भाग के निकला। ये शहतूत का पेड़ है ना? हाँ। इसके शहतूत गिरते हैं। हाँ। तो वो जैकल्स खाने आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जैकल्स और लेपर्ड थे ना या? हाँ, कुत्ते भागे थे। जैकल वहाँ छत पे खड़े थे, भैया खड़े थे, उनके फ्रेंड खड़े थे। हाँ। जैकल देख रहे थे, जैकल यहाँ घूम रहे थे, एकदम से लेपर्ड वहाँ उस वाले जो लॉन में छुपा हुआ था। हाँ, उसने एकदम से चार्ज किया, जैकल इधर भागा। हाँ, और लेपर्ड तो एकदम उड़ता हुआ निकल गया। फिर आगे जाके पकड़ा तो नहीं उसने, अगले दिन हमने चेक भी किया था कहीं कुछ किल्ला पड़ा हो। भाग गया होगा जैकल। अभी दिखेगा? अभी भी दिख सकता है और रात में यहाँ 5-5, 6-6 आपको दिखेगे। मैं लेपर्ड की बात कर रहा हूँ। जैकल की बात मैं सुना रहा हूँ आपको। जैकल तो मैंने अभी रास्ते में भी देखा। अच्छा। इनफैक्ट भीरा से बहुत पहले जी 2 बार क्रॉस किया, एक बार क्रॉस किया तो गोप्रो बंद था। अच्छा। मुझे लगा शॉट नहीं मिलेगा, फिर वापस आया रुक गया। हाँ। इसमें आया ऑन रोड वाइल्ड राइडिंग। अभी थोड़ी देर में आपको जैकल यहीं पे दिखाऊंगा। हाँ यहाँ तो बहुत आते हैं, जरा अंधेरा हो जाए थोड़ा सा फिर आएंगे वापस यहाँ पे। ये देखिए जैकल के मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, ये जैकल के पग मार्क्स हैं। हाँ, और ये डॉग के है, यहाँ के लोग काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं ये जैकल का है ये डॉग का है। कैसे पहचानते हो? डॉग का तो बड़ा होता है। हाँ। और दूसरी चीज़ कि ये लोग लेपर्ड और डॉग से कंफ्यूज, ये नीलगाय आ रखी है। मतलब ये लोग PhD कर चुके हो हैं पूरी एक साल में एकदम लेपर्ड। नहीं, ये वो फेसबुक वगैरह पे लोग बहुत डालते रहते हैं ना कि आइडेंटिफाई द पग मार्क। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जो लेपर्ड और डॉग में डिफरेंस रहता है उसका जो बीच वाली जो हथेली रहती है डॉग की बीच से ऐसे निकली होती है मार्क्स में। हाँ। और लेपर्ड की थोड़ी सी गोल होती है। डॉग और लेपर्ड का तो कंपैरिजन नहीं है, हम मतलब केनाइंस की बात कर रहे हैं, जैसे डॉग और जैकल और वुल्फ। वुल्फ तो खैर इन पार्ट्स में है ही नहीं। हाँ है, वुल्फ भी वैसे पता तुमको? रिकॉर्डेड है? नहीं रिकॉर्डेड नहीं है। वुल्फ्स की भी साइटिंग है यहाँ पे, एक एरिया है जहाँ पे है प्रॉपर उनके यू नो वुल्फ पैक्स हैं। सो दैट्स द प्लेस, वो निखिल का घर है, ये स्टे है और यहाँ से हम लोग आए। एंड ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ सरसों लगी है, दैट्स फार्म्स खेत हैं, और उसके पीछे वो जो ट्री लाइन है दैट्स एक्चुअली जंगल, जो मेलानी बफर जोन है उसके जंगल हैं। मतलब जहाँ से मैंने मेलानी से आगे लेफ्ट लिया उससे पहले जंगल थे और वही कंटिन्यू होते हैं यहाँ पे एंड टूवर्ड्स खुटार एंड पीलीभीत। हाँ जी, ये क्या है? तो ये बर्ड हाइड है, अभी तो
बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, मतलब 6-7 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ। तो पेड़ वगैरह सारे प्लांटेड है, ये आप देख रहे होंगे, ये महुए का पेड़ है, ये लीची इसका बेरी नहीं होती उसकी, चेरी की, ये चेरी का पेड़ है। अच्छा, महुआ कहाँ है? ये महुए का पेड़ लगा, महुए का पेड़ इतनी मुश्किल से बड़ा होता है, नीलगाय आके खा गई थी। इसको बाब वायर से वो करो ना, कंटीली तार से। हाँ, उसके बाद इसको मैंने नहीं, कंटीली से तो नहीं किया, इससे किया, उसके बाद से तो खैर नीलगाय आई जरूर लेकिन खाया नहीं। सो यहाँ बर्ड्स वगैरह हैं कुछ? अभी बर्ड्स वगैरह आती जाती रहती है, अभी तो अंधेरा हो जाएगा तो आउल्स बहुत सारे आने लगेंगे, जंगल आउलेट, स्पॉटेड आउलेट, ब्राउन फिश आउल, तो यहाँ मतलब दिख जाते हैं आराम से, इतना ज़्यादा वो नहीं। हॉर्नबिल वगैरह तो अभी देख ली हमने, अपना ग्रे हॉर्नबिल्स वगैरह तो घूम ही रही हैं। वैसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल मैंने रास्ते में बताया था ना, बहुत सारे हैं इस एरिया में, इधर आते हैं फार्म के अराउंड। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल तो ये दुधवा और किशनपुर भरा हुआ, मतलब इस इंडिया के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कॉमन बर्ड है वो क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, बहुत ही कॉमन है। और क्या क्या है? और ट्रीपाई तो यहाँ रहती ही है, ट्रीपाई की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको बैकग्राउंड में। और पाइडोरेंटल हॉर्नबिल आ जाती है कभी कभी मॉर्निंग में, और जैसे सनराइज से पहले तो उस एज के वो पहले, वो बताओ वो शुगर केन में वो क्या हिल रहा है, जंगल कह दीजिए, इसमें तो खैर गोपरों में नहीं दिखे। कौन से? ये सारे फूल लगे हुए थे, नीलगाय आ जाती थी, एक दो बच गए जो चल गए, देखो कितना सुंदर फूल लगा हुआ है। हाँ, ये भी नीलगाय ने खराब किया। नीलगाय आती थी, छोटे छोटे पेड़ थे, नीलगाय ने तो जहाँ पैर रख दिया वो वाला पेड़ खराब है। फिर ये मेरा महुए का पेड़ जो सबसे कीमती मानता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा टाइम उसे लगता है बड़े होने में, ये वाला पेड़ इतना बड़ा हो चुका था। हाँ। रात में नीलगाय घुसी, हाँ। उसको आधा कर दिया, मतलब मेरा लगभग 3 महीना उसने एक बार में साफ कर दिया। पर इधर फेंस है ना ऑलरेडी, फेंस के ऊपर से आ जाती है। अच्छा, जब नीलगाय कूद जाती है बहुत आराम से। लेकिन ऊंची है फेंस, कम से कम 3, कहीं 3 फुट है, कहीं 4 फुट है। हाँ, 3-4, 3.5 आप एवरेज मान के चलो। लेकिन नीलगाय कूद जाती है अगर वो आना चाहे, बट बहुत उसका मतलब ऐसा रहता है कोई पर्पस हो तभी आती है, जैसे यहाँ पेड़ पौधे खाने का उसको मिल गया था। बाकी तो पूरा कोशिश की है जितना ऊंचा हो सकता है कोई फेंस ना टूटे। चलो और कुछ एक्सप्लोर किया जाए इससे पहले बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। वो देख रहे हैं आप सूर्य देवता होता है। हाँ भाई निखिल साहब, बधाइयाँ जिप्सी की। थैंक यू। तो भाई सफारी करनी है तो निखिल से मिल लो, स्टे भी है और जिप्सी भी है, सो दोधवा इज सॉर्टेड एयर। सो ब्रांडिंग भी कर रखी है निखिल ने, सफारी विद निखिल एंड उसका नंबर। और ये हमारी जिप्सी, जिप्सी बोलें रोवर बोलें सब कुछ यही है। लो जी, निखिल भाई ने स्टार्ट कर ली अपनी लैंड रोवर और वी आर गोइंग फॉर अ पर्सनलाइज्ड सफारी अराउंड हिज फार्म्स एंड ऑल। चलो भाई निखिल, तो सफारी विद निखिल है, तो अभी बफर में घूमते हैं थोड़ा बाहर। मेलानी के जंगलों के बफर में है, और मेरी हालत देखो, मैं अभी भी राइडिंग गियर में हूँ, राइडिंग पैंट और बूट्स पहन के। कोई बात नहीं, जंगल में ऐसे ही रहते हैं भाई। जैकेट रहेगी निखिल, ठंड लगेगी। सो मैं दिन याद कर रहा हूँ, कोविड से पहले वाले दिन, मतलब बिफोर आई वेंट टू साउथ अफ्रीका और उससे पहले कोविड। सो हम लोग यहाँ पे सफारी मारा करते, सफारी 25-25 सफारियाँ। और एक आज का दिन है कि निखिल बन गया जेंटलमैन, निखिल ने अपनी सफारी वगैरह सब पूरा सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर दुधवा, स्टे, सफारी, कंसल्टिंग, एवरीथिंग। सो अभी तो हम लोग बिल्कुल जंगल में घूमेंगे, मतलब जंगल क्या है, जंगल का एज जो मेलानी का आता है, मतलब वो फॉरेस्ट में नहीं आता है, बट क्या है वाइल्ड लाइफ बाहर तक आ जाती है गांव के पास। तो अभी हम बेसिकली गांव में घूमेंगे, जो पीछे हमने जंगल अभी देखा था घर से उसी के एजेस पे घूमेंगे। लेट्स सी, जैकल्स वगैरह, नीलगाय और कुछ आउल्स वगैरह, ये सब तो ईजिली मिल जाते हैं। पर रात को हम फिर निकलेंगे बाय द वे। सो वो है जंगल मेलानी के बफर और ये सब फार्म्स, और वो भी तुम्हारा ही है ना मोटर वाला, यहाँ से अपना ही स्टार्ट हो जाता है। वो बेसिकली ट्यूबवेल बना है। पैरेट्स वाला क्या था सीन, अभी है क्या वहाँ पे? पॉपुलर का पूरा ये था ना पे था। अच्छा, काट दिया अब
तो बहुत हो गया, सारे पेड़ बिक गए थे। ओके ओके, पॉपुलर वगैरह थे वहाँ पे। और वहाँ पे कम से कम नहीं तो 500-600 या मे बी इवन 1000 ऑफ पैरट्स पैराकीट्स। ऑलराइट, सो रिलैक्स वगैरह करके आराम से हम लोग बातें होते काफ़ी देर गप्पे मारी। एंड नाउ लेट मी शो यू द रूम्स जो निखिल के स्टे के हैं। सो दिस इज अ रूम एंड इट लुक्स लाइक दिस। सो यह क्लीन लिनन एंड ब्लैंकेट्स, सो इट्स वेरी बेसिक बट गुड इनफ फॉर वाइल्ड लाइफ स्टे। टॉवल्स एंड चेयर्स, दिस अ बिग मिरर, और वॉशरूम भी बहुत बड़ा है। नाइस, एंड देयर आर सम पिक्चर्स जो खुद निखिल ने यहाँ पे फोटोग्राफ की हैं। सो या इट इज़ गुड फॉर यू नो वाइल्ड लाइफ और स्टे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ यू नो कमिंग एंड स्टेइंग हेयर इज यू गेट अ कंपनी एंड यू नो यू गेट the expertise of the person himself. So Nikhil, since he is born and brought up here only, so usko sab malum hai, matlab he's an enthusiast, you know, he's an energetic young guy jo start kar raha hai, you know, to make some changes here in Dudhua. He's actually creating something, so I highly recommend and support him. Aur baki aap you can just come for yourself and check. You can book safaris with him. He will take you, you know, by himself. वो खुद आपके साथ जाता है and उसको you know he knows in and out of the place and you get the stay sorted, food sorted, everything. So that's one stop for Dudhua, Kishanpur, and the Pilibhit Tiger Reserve is also not very far from here. So दोनों के बीच में भी है actually ये. And now it's time for some fun. बाय द बॉनफायर, और ये सब डाइनिंग सेटअप है यहाँ का विच इज़ वेरी नाइस, एंड सम लाइट म्यूजिक इवनिंग के लिए। सो दैट वॉज एन अमेजिंग डे। और अभी हम लोग आराम से अपना डिनर करेंगे जंगल की बातें करते हुए, एंड यू नो गेटिंग द अपडेट्स निखिल से, जो मैं अपडेट लूँगा आसपास के सब, ये क्या हुआ, क्या क्या है एंड ऑल दैट, कहाँ कहाँ साइटिंग है। सो वो सब बातें करने में बड़ा मज़ा आता है बॉन फायर पे। सो उसके बाद हम लोग शायद यू नो विल गो अराउंड हिज फार्म्स एंड ऑल अगेन, और स्पॉट करेंगे कुछ, बिकॉज जैकॉल्स तो यहाँ पे इधर ही कैंपस में घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। बाकी आउटलेट्स वगैरह भी हैं, जंगल आउटलेट्स वगैरह, और क्या क्या वाइल्ड लाइफ वो थोड़ा देखेंगे। अगर कैमरे पे कैप्चर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, अदरवाइज वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगा। एंड देन कल से शुरू होगा एक्शन दुधवा एंड किशनपुर का। सो उस सब के लिए यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड विल मीट वेरी सून।